मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन, मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन। Thank you.
मंगलमय मंगल तार मेरा जिन शासन, मंगलमय मंगल तार मेरा जिन शासन, जय वीत राग विज्ञान मेरा जिन शासन। नमो हरि हनुमान, नमो से शक्कर रूपी द्रव्य में से मिठास रूपी गुण अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं हो
इतनी मार खाने के बाद भी हम उन्हें चक्की में पीस दे, बोलो मिठास अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हम पानी में उसे घोल दे, उसका मिठास अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं। फिर आत्मा के अस्तित्व वस्तित्व द्रव्यत्व अगुरु लघुत्व क्षमा मार्दव आर्जव कोई भी अवस्था में नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। हाँ, तिरोभाव आविर्भाव की कहानी चलती रहती है, मुख्य गौण होते रहते हैं, विभाव के सामने स्वभाव दिखता नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्वभाव के सामने विभाव टिक नहीं सकता। कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आना चाहिए। पानी एक घंटे से गर्म हो रहा है, बताओ ठंडा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्यों हो सकता है? स्वभाव में जवाब दिया, स्वभाव ऐसा है। तो पानी के लिए आपको इतना कॉन्फिडेंस है, खुद के लिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं? मैं भगवान बन सकता हूं, मेरे अंदर आनंद दर्शन आनंद ज्ञान आनंद सुखबीर है, ये कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जन्म से शरीर से संयोगों से अपने आप को स्वीकार किया। कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई बालक है, कोई युवा है, कोई वृद्ध है, कोई जैनी है, कोई अजैनी है, कोई दिगंबर है, कोई श्वेतांबर है, कोई तेरापंथी है, कोई बीसपंथी है, कोई तारणपंथी है, कोई कांजी स्वामी को मानता है। आप समझे वो जो लेवल चिपका रखे हैं यहाँ क्या कह रहे हैं? अरे लेवल तो बहुत दूर की बात रही, शरीर तो जाने दो, आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी परिणाम तो जाने दो, आत्मा में उत्पन्न होने वाले निर्मल पर्याय भी मेरे मूल स्वभाव में दृष्टि के विषय में खरे खर शामिल। क्योंकि मैं पर्याय आश्रित चिंतन करता हूं तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या गड़बड़ हो जाएगी? तो द्रव्य तो समझ में आया, मूल वस्तु गुण माने उसमें पाई जाने वाली क्वालिटी, उसको कहते हैं गुण। पर्याय क्या बला है ये? पर्याय अर्थात परिणमन, पर्याय अर्थात दशा, पर्याय अर्थात आला, पर्याय अर्थात अवस्था, सकल सीधे सीधे पर्याय अर्थात सकल। आज मैं किसी 5 साल के बालक से मिलूं यहां और 20 साल बाद आऊं, जब वो बालक 25 साल का हो जाओ फिर मिलूं, तो बताओ उस बालक से मिलूं और बालक को याद आ जाए, पंडित जी मैं वही हूं जो दुबई में शिविर लगी थी उस समय 3 दिन की, और मैं संडे को आया था आपसे मिला था, अब मुझे कुछ याद ना आए। मैं वो कौन शिविर, कौन सी शिविर का, तो फोटो निकाल के ले आया अंदर से, ये देखो 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 ये मैं हूं। मैंने फोटो देखा और उसको देखा, यार ये तो तुम नहीं हो। मैं नहीं पंडित जी, मैं ही हूं ये। अरे यार कमाल करते हो, इसमें तो 3 फुट के देख रहे हो तुम, 5.5 फुट के, इसमें तो तुम्हारा वजन 30-35 किलो लग रहा है, 65-70 किलो के, इसमें तो तुम्हारा कलर फेयर है, अब तो कमा कमा के काले करते हो। हेलो भाई सर, ये वही है कि दूसरा है? ये वो है कि दूसरा है? अरे वो भाई साहब वो 3 फिट का था, ये 5 फिट का है, इतना नहीं समझता तुम? 30-35 किलो का था, ये 70 किलो का है, वो गोरा था, ये काला है, ये मोटा था, ये दुबला है। तो आप क्या कहोगे? द्रव्य वही है, पर्याय बदल गए। पर्याय कहो सकल कहो एक ही बात, अवस्था बदल गई। अब जो पर्याय पर आकर्षित होंगे या पर्याय को ही द्रव्य मान लिया होगा वो तो यही कहेंगे ये तो नष्ट हो गया, ये तो नष्ट हो गया, ये तो नष्ट हो गया, ये तो नष्ट हो गया। वस्तु कभी नष्ट नहीं होती है, सिर्फ पर्याय बदलती है। अब हम जो अनित्य भावना में कह रहे हैं उसका वस्तु स्वरूप जिनको ख्याल में है वे बड़े आनंद में है। क्यों आनंद में है? क्योंकि जो कुछ भी अनित्यता कही जा रही है वो किसकी कही जा रही है? वो पर्यायों की कही जा रही है। वैज्ञानिक सत्य है ये, एक परमाणु भी नष्ट नहीं किया जा सकता है और एक परमाणु भी नया उत्पन्न नहीं किया जा सकता है।
कोई क्रिएट नहीं कर सकता और कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। मैन्युफैक्चरर नाम की कोई चीज ही नहीं होती है भाई साहब। मैं जब डब्बा खरीद के लाया वही वाला डब्बा जिसके शास्त्र में लिखा था, याद आ गया ना, दिस डिवाइस इज वाटरप्रूफ। थोड़ी देर बाद वो चाबी का छल्ला लेकर खरोच खरोच करने लग गई, तो मैंने कहा चिल्लाऊं उससे पहले शास्त्र पढ़ लूं। उसमें क्या है, कॉमन सेंस है। तो उसमें लिखा था दिस डिवाइस इज स्क्रैच प्रूफ। गेस कॉन्फिडेंस कहां से है? ज्ञान आपको कॉन्फिडेंस देता है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। अज्ञान आपको कॉन्फिडेंस देता है अपने पंथ, अपने मत, अपने संप्रदाय, अपने गुरु के नाम पर झगड़ा मचाने के लिए। अज्ञान आपको प्रेरित करेगा, शिक्षा आपको शांत करती है, अशिक्षा आपको उद्विलित करती है। मैंने जब द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप समझा सारे झगड़े खत्म। अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, क्या अनित्य है, ए टू जेड जितनी भी इस विश्व की अवस्थाएं हैं वे सब अनित्य हैं। और ये सच्चाई मुझे पता चल गई। लेकिन जब मुझे सच्चाई पता चली तो मेरा दूसरा स्टेप घबराहट का ये हुआ, हे भगवान मेरा घर अनित्य है, मेरा जो अभी अभी गाड़ी खरीद के लाया हूं खून पसीने की कमाई से वो अनित्य है, मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरा भी सब अनित्य है। तो कोई तो होगा जो मुझे बचा ले, कोई तो होगा। तो जैनाचार्य ने दूसरी भावना लॉन्च कर दी, कौन सी, आशरण। जो कोई भी ये कह रहा है हम तुम्हें बचा लेंगे वो दुनिया का नंबर वन झूठा है। अंतिम प्रवचन है, तुम जो करना तो कर लेना। क्या बात कर रहा है पंडित जी, दुनिया में तो दावे किए जा रहे हैं हमारे शरण में आ जाओ हम तुम्हें सर्व संकटों से रहित कर देंगे। उन दावों की सच्चाइयों को पहचानने का प्रयास करना। जब नोट बंद हुए थे ना तो हमारे मोहल्ले में आए घबराहट वाला व्यक्ति, क्या करूं पंडित जी क्या करूं। तो मेरे कुछ मत करो, सरकार ने साफ कहा है 30% कटेंगे 70 तुम्हारे हो जाएंगे, दे दिवाली खत्म करो। मेरी दुकान से निकला मुझसे ज्ञान देके, सम्यक ज्ञान दिया था मैंने उसको शास्त्र के अनुसार, बाहर निकला कोई उसका मित्र मिल गया, मित्र का कोई दोस्त था, वैसे 10% में चेंज करा देगा, 10% में चेंज करा देगा। तो उसको बड़ा सीधे सीधे 20% बच रहे, अमाउंट थोड़ा बड़ा था उसका। उसने आओ देखा ताओ देखा, घर गया तिजोड़ी खोली बैग में पीछे रखे, भैया तू करवा दे कैसे करके। तो बोले किसी से बोलना किसी को बताना होता, साथ में मंत्र और दे दिया उसने, ठीक है। मैंने लेकर पूछा क्यों मैं कुछ हेल्प करूँ आपको, बैंक में जाना हो अलग अलग खातों में डलवाना हो। नहीं नहीं पंडित जी होगी व्यवस्था होगी, मिली तुम तो ऐसे ही निकले, हमको मिल गया एक शरण मिल गई, तुमको शरण मिल गई तो ज्यादा बात नहीं की उसने, क्योंकि उसको मना कर दिया था बताना हो किसी को, ये श्रद्धा का विषय है। एक दिन बाद, दो दिन बाद, तीन दिन बाद, चौथे दिन उसके पास फोन आया है, बोले साहब मैं गुजरात बॉर्डर पर खड़ा हूँ, यहाँ 5 पुलिस वाले खड़े हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, पैसा किसका है। पट से फोन कर दिया, जिसको दिया था वो जिंदगी भर के लिए शांति होगी उसका। समझ में आया कहानी, कुछ समझ में आ रही है, कईयों के साथ हुआ है ये। अब वो जो व्यक्ति है ना कहीं कहने का रह गया ना कहीं सुनने का रह गया, उसने आगे साल भर बाद ये बात बताई, 2-4 महीने तो उसकी बताने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि तुमने उसी समय क्यों नहीं बताई। अरे बोले मैं किस मुंह से बताता, आप समझ रहे। तो जब जब जो जो दुर्घटनाएं आपके साथ घटती हैं वो आप पी जाते हो, और इत्तफाक से एकाध कोई काम बन जाता है तो ढिंढोरा पीट, तो इस मंत्र से हो गया, इस तंत्र से हो गया, बेचारा सब कुछ नहीं है, उसके डीपनेस में जाओ। तो जहां भी आपको शरण का बोर्ड दिखाई दे ना, उस भावनाओं को याद कर लेना, ये झूठ बोलना। आचार्य झूठ नहीं बोल सकते, तीर्थंकर की वाणी झूठी नहीं हो सकती, वे कह रहे हैं अशरण। इस अनित्यता को रोकने में कोई भी शरण नहीं है, मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। बोलो ये अटल सत्य है कि नहीं है, और इस सच्चाई को स्वीकार लो तो क्या परेशानी है। फिर भी प्रवचन खत्म होने के बाद आएंगे पंडित, कुछ तो होता होगा ना, ये चलते हैं ये मंत्र मंत्र, कुछ तो होता होगा, कुछ तो क्या कुछ होता होगा, या मुझे आप समझो
भय तीर्थंकर से बली तिनकी नहीं चली मौत नहीं टली तो अब क्या करिए। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। कोई ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास, लेकिन हमको क्या लग रहा है हम मैनेज कर लेंगे। कोई मैनेज मैनेज नहीं हो रहा है, आप भ्रमित जिंदगी जी रहे हैं। पहले नंबर की भावना है अनित्य, इसका मतलब यह है आपके पास जितने भी संयोग है शरीर है इन विजिबल अक्षर में टैटू बनवा दो अनित्य अनित्य अनित्य, या लिखवा लो अनित्य काम। नई गाड़ी लिख लेना और बैंक के मार्कर से लिख दो सबसे नंबर प्लेट पर नंबर के नीचे धीरे से अनित्य, क्यों भूल जाते हो करेंगे धारणा कमजोर है घर जाते ही बोलो घर जाके लगेगा ये अनंत काल में इस घर में रहूंगा। घर में घुसो आपका नाम लिखा हुआ ना बड़े बड़े अक्षर में उसे रहने दो मुझे कोई आपत्ति नहीं, उसके नीचे लिख दो बस छोटे से अक्षरों में क्या व्हाइट नंबर प्लेट हो व्हाइट मार्कर से लिख देना हिम्मत कर। या फिर मुझे लॉजिक से सिद्ध कर देना नहीं पंडित जी मेरा तो नित्य, और अनित्य के साथ में कोमा करके असरण भी लिख लेना क्योंकि दुनिया ये तो मान लेती है कि अनित्य है, बचाने के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। कितने ही हत्याएं इस जगत में सिर्फ अपनी संयोगों को बचाने के लिए हो रही है, कितने ही मंत्र तंत्र तांत्रिक पढ़ो आप अखबारों में आपको पढ़ने को मिलता होगा, कितनी ही बलियां इसलिए चढ़ाई गई हैं ताकि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। गुरु जबकि सच्चाई क्या थी आश्रम पूरे संसार में यही व्यवस्था है और एकत्व भावना ये कह रही है कि ये व्यवस्था इंडिविजुअल है एकाकी व्यवस्था है, इसमें आवासी पड़ोसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आप इस रहस्य में चले जाए जिंदगी भर कोई आपको डरा नहीं सकता है कोई धमका नहीं सकता है। किसमें एको करे कम्मम एको हिंडी हती है संसारे, ये जीव अकेला ही कर्म करता है और अकेला ही उसका फल भोगता है, कोई दूसरे का कोई रोल नहीं है इसमें। उसी भाव से मोक्ष जाने वाले भाई साहब उसी भाव से मोक्ष जाने वाले वेश बदल के जीवन जी रहे। बोलो पांच पांडव उसी भाव से मोक्ष जाएंगे आधे उसमें से, लेकिन तिरस्कार अपमान पंचायतें उस समय उनकी शकल देख के लगता होगा किसी को ये मोक्ष जाएंगे, ये अर्जुन स्त्री के वेश में नगर में रह रहे हैं ये मोक्ष जाएंगे बोलो, लेकिन वो जीव कर्म काट के मोक्ष गया क्योंकि तुम पर्याय से देख रहे थे और वो द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से चैतन्य का वेदन करके कर्म काट रहा था। अभी रहस्य जिसको कैसे समझ शब्दों में नहीं आएगा। हम बाहर से देखते हैं मामला अंदर से है, तुम कितने धर्मात्मा दिख रहे हो इससे मोक्ष नहीं होगा, तुम कितने धर्मात्मा हो इससे मोक्ष। हम बड़ी आतुरता करते रहते हैं पंडित जी क्या होता है, जमाना बहुत खराब हो गया बहुत बेकार जमाना आ गया, क्या हुआ क्या हुआ, इंसान कोई असल ही नहीं बचा है, कोई प्रेम भाव ही नहीं बचा है तुमको, कोई करुणा नहीं बची है, कोई कुछ नहीं बची है। तो मेरा उससे यही प्रश्न होता है कि भाई तू सच्ची बात बता क्या सच्ची बात बता, कोई तेरे प्रति करुणा नहीं करता है, कोई तुझसे वात्सल्य नहीं रखता है, कोई तुमसे प्रेम भाव नहीं रखता है, इसलिए ये बात कह रहे हो कि तुम किसी से वात्सल्य नहीं करते हो, तुम किसी से प्रेम भाव नहीं रखते हो, तुम किसी पर करुणा नहीं करते हो, इसलिए ये बात कह रहे हो। ऑपरेशन स्टार्ट, कोई कुर्सी छोड़ के गया 40 कदम चलेगा वापस आ जाएगा। क्या कहा मैं दोबारा देता हूं, दुनिया में अच्छाइयां खत्म हो गई है ये सब कह रहे हैं सामूहिक एक दूसरे से बड़ी बड़ी मंचों से बोला जा रहा है अच्छाइयां खत्म हो गई और फैक्ट भी है, लेकिन मेरा प्रश्न उसके आगे का ये है मुझे ये बताओ ये अच्छाइयां कहां खत्म हो गई, सामने वाले के अंदर या तुम्हारे अंदर, तो क्या फर्क पड़ता है, सारा मामला यहीं से शुरू होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो बताओ तो क्या जवाब दिया उसने, मैं आपको उसका डिटेल बताता हूं। यदि कोई आपके प्रति वात्सल्य नहीं रखता है, कोई आपकी हेल्प नहीं करता है, कोई आपका सहयोग नहीं करता है, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है, जैनाचार्य कहते हैं ये पाप का उदय है। क्या बोला सो गए क्या ध्यान खत्म कक्षा शुरू, जवाब दो क्या कहा आपका।
बाप का नहीं, पाप का उदय है। किसके पाप का उदय है? जिसने माना है उसके पाप का उदय है। टेक्निकल पॉइंट समझ लेना, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, 5 मिनट बाद वो बात आएगी, अभी से उसकी तैयारी कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, मेरा जो अपमान तिरस्कार हुआ है, मेरी जो पूछ परख नहीं हुई है, मेरा जो अपयश हुआ है, मेरे प्रति लोगों ने वात्सल्य नहीं रखा है, मेरे प्रति लोगों ने दुर्वचन कहे हैं, ये क्या है? ये मेरा पाप का उदय है। मैं लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करता हूं, मैं लोगों से वात्सल्य नहीं रखता हूं, मैं लोगों पर करुणा नहीं करता हूं, मैं दान नहीं देता हूं, मैं वात्सल्य नहीं रखता हूं, ये मेरे पाप का परिणाम है। क्या बोला? अरे बोलो तो, क्या है? क्या है? पहले क्या था? पहले क्या था? अभी क्या है? पहले पाप का उदय था और अभी क्या है? पाप का परिणाम। ये दो चीजें आज आपने समझ ली, समझो 12 भावना और 6 द्रव्य 7 अब तो सारे समझ में आ जाएंगे आपको, घर जाते हैं आप जिंदगी भर के लिए रिलीफ, एक 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 वैक्सीन लगवा लो ये वाली, भागना नहीं बस। दो चीजें खड़ी होंगी ना अपने सामने, समस्या ये है कौन सी? अरे साहब आजकल सब बेकार मामला चल रहा है, मेरा प्रश्न क्या है, कहां लोग तुमसे ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे हैं या तुम लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो? लोग आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, ये आपके पाप का उदय है, और आप भी लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, ये पाप का परिणाम है। सुनो आचार्य क्या कहते हैं, पाप के उदय से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पाप के परिणाम से तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। आचार्य ने पाप के उदय का कोई इलाज नहीं किया है, मालूम है? पाप के उदय का कोई इलाज नहीं किया है। जैने सोनी दीक्षा ले ली और शरीर में कोढ़ हो गया, 700 साल तक दिमाग में नहीं आया कि इसको ठीक कर ले, और दवाई जेब में रख के घूम रहे थे, मालूम है? इतने रिद्धिधारी मुनराज कि अगर भूख भी लगा देवे तो कंचन जैसी काया हो जाए, क्यों? क्योंकि वो जो कोड़ है ना, वो क्या है? वो पाप का उदय है। और स्वर्ग नरक जो होगा ना, वो पाप के उदय से नहीं होगा, वो किससे होगा? देखो मैं क्या बता रहा हूं, हम बहुत स्थूल हो गए, स्थूल माने हमारे यहां बोलते हैं मोटी बुद्धि के, मोटी बुद्धि समझ गए ना, जिनको शास्त्रों की सूक्ष्म बारीकियां समझ में नहीं आती। हम इतने मोटी बुद्धि के हो गए हैं कि कोई जीव जीवन भर पूजा पाठ करता रहा हो और कोई धर्म के अंग का पालन करता रहा हो और अचानक से उसको बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए और कोई दूसरी तकलीफ हो जाए, तो आधी से ज्यादा जनता उसके प्रति ये भाव लाती है, धनात्मक भाव, अरे यार देखो क्या फायदा हुआ पूजा पाठ करने का, अब पड़े हैं सड़ रहे हैं, मतलब जो जिसकी भाषा हो, जितनी समझ हो, उस हिसाब से वो बोलता है। यहां क्या गड़बड़ हुई मालूम चला आपको? क्या गड़बड़ हुई? उसने पाप के उदय के और पाप के परिणाम को मिक्स कर दिया। उसने क्या समझा कि पाप के उदय से जीव पापी होता है, पाप के उदय से जीव पापी होता है, पाप के उदय से जीव पापी होता है, तो आधी दुनिया पाप के उदय से घबराई है, सब ये चाहते हैं पाप का उदय नहीं आए, पाप का उदय नहीं आए, पाप का उदय नहीं आए। अरे मालिक जिस वजह से आ रही है उसको तो ठीक कर लो, पाप का उदय पाप के उदय के कारण थोड़ी आ रहा है, पाप का उदय पाप के परिणाम के, पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता है। आज समझो मैं इतनी बढ़िया बढ़िया बातें दे रहा हूं आपको, शास्त्रों के अनुसार बात दे रहा हूं, और मैं यहां से बाहर निकलूं एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कोई बड़ा ट्रक चढ़ जाए, कचूमर बन जाए, हो सकता है हाथ पैर भी ना मिले, तो आधी जनता तो घोषित कर देगी पंडित जी को तो कुंवरण हो। अरे सर्टिफिकेट बटने लग जाएंगे भाई सब समाज में, लिख के देंगे लोग कुमौत मर गए, कुमरण हो गया इनका, और कारण भी बताएंगे क्यों हो गया। कोई कह देगा वो फलाने पंथ से थे इसलिए ऐसा कुमरण हो गया, कोई कह देगा वो फलाने गुरु को मानते थे इसलिए कुमरण, कुछ जो मुंह पे आएगा सो बोलेंगे। मैं आपको शास्त्रों की सच्चाई बताता हूं, एक सेठ जी भगवान के सामने सामयिक कर रहे थे, और उनका नियम था कि जब तक ये दीपक जलेगा मैं सामयिक करूंगा,
धर्म पत्नी बड़ी धर्मनिष्ठ थी, सेवा भावी थी। उन्हें देखा अरे दिया बुझने वाला है, पति देव सामायिक कर रहे हैं, वैसे तो खटपट बनी रहती है लेकिन इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं ना, तो ले जाके तेल डाली है। अब उन्हें थोड़ा देखा अरे तो जल रहा है, वापस बैठ गए। ऐसे दो चार बार हुआ। और आप मूल कथा बताए, इसलिए मैं मूल कथा नहीं सुना रहा हूँ, सिर्फ सिंबॉलिक बात बता रहा हूँ। और वहीं उनके संजो शरीर छूट गया, देह परिवर्तन हो गया और मर करके मेढक बने। ये आप बच्चे बच्चे को जैन धर्म की ये कहानी पता है आपको बराबर। जब वो मेढक बन गए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उनकी जो शोक सभा हुई होगी, हर आदमी को थोड़ी पता है मेढक बन गए, वो तो अवधि ज्ञानी मुनराज के माध्यम से हमको पता चल रही है। जब वहां उनका देह परिवर्तन हुआ था तो पूरी समाज में जो सर्टिफिकेट बांटे गए होंगे वो किस बात के बांटे होंगे, अरे साहब उससे अच्छा मरण और क्या हो सकता है, चत्यालय में भगवान की छाती पे जिन्हें देह परिवर्तन किया है तो नियम से स्वर्ग गए होंगे, ताली बज रही होंगी शोक सभा में गारंटी से। और सच्चाई क्या है, पानी में पड़े कुएं में आता त्रेंच गति का जी, मनुष्य गति वाला त्रेंच गति का जी, भगवान की छाती के सामने शरीर छोड़ा है लेकिन त्रेंच गति। एक कहानी पूरी दूसरी सुनाता हूं। एक त्रेंच गति का जीव था, बहुत समझदार नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कोई संस्कार उसको भक्ति के ऐसे रहे कि वो फूल की पांखुड़ी लेकर समोसण के लिए जा रहा था। और ये हाथी का पैर आया, अब हाथी का पैर अगर मेढक के ऊपर गिरेगा तो उसके शरीर की स्थिति कैसी हुई होगी कल्पना कर सकते हो आपको, आंखें बाहर, जीभ बाहर, किडनी बाहर, सब मतलब मैं दृश्य को उपस्थित नहीं कर सकता शब्दों में, देखा ना जाए से। जगत की भाषा में कुमरण हो गया, अभी पंडित जी का कुमरण 2 मिनट पहले वैसे ही कचुमर हो गया। बोलो साहब उसकी शोक सभा में क्या कहेंगे, कौन बोलेगा कि स्वर्ग जाएगा समोसरण को। और वो जीव यहां उसका देह छूटा है और वो समोसरण में श्रेणी से पहले एडवांस। मैं इन दो कथाओं से बहुत कुछ कहना चाहता हूं, आप फटाफट सर्टिफिकेट मत बांटो किसी दूसरे के बारे में। एक एक जीव अपने परिणामों से सिद्ध होते हैं। हम कौन होते हैं, हम क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं, हम क्यों कर्म बन जाते हैं, आयु कर्म बन जाते हैं। मैंने तुम्हें स्वर्ग भेज दिया, मैंने तुम्हें नरक भेज दिया। भावना सबके प्रति अच्छी रखो लेकिन बाहर के दृश्य को देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं ये कुमरण है ये सुमरण है। भाई साहब कुमरण सुमरण परिणामों से होता है। यदि आप तत्व चिंतन भारत भावना शुद्धात्मा के विचार पूर्वक देह छोड़ते हैं आपका सुमरण है, और यदि आप पानी पानी भोजन भोजन करते हुए मरते हैं कुमरण किसी बात। हमने उसे क्षेत्र से जोड़ दिया, जगह से जोड़ दिया, खास करके जो वृद्ध लोग हैं जिनको लगता है ना मौत कभी भी आ सकती है उनसे खास कहते हैं बिल्कुल संग मत पालना, घर में है कि अस्पताल में है, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ की चीज नहीं होगी अंतिम अवस्था। या तो तुम इतने बड़ी सत्संगति में रहो कि पता नहीं चले, लेकिन जहां आप है वहां नहीं पता चलेगा, 2 मिनट चपड़ती कर देंगे फिर आप कर रहे घर ले चलो घर ले चलो घर ले चलो, अरे अब भाई साहब परिवर्तन होने वाला, अब तुम टेंशन मत लो घर आओ, अपवित्रो पवित्रो वा सुस्त तो दुष्ट तो विवा ध्यायेत पंच नमस्कारं सर्व पापै। अब थोड़ा झंझट हो रहा, ज्यादा ही शौक था तो पहले तैयारी कर ले। पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता है, क्या बोला एक बात और बोलूं साथ में, पुण्य के उदय से कोई पुण्यात्मा भी नहीं होता है। तुमने जो कांच के मकान बना लिए, 4 गाड़ी खरीद ली, तुमने बहुत पुण्यशाली है, नहीं वैसे ऐसा नहीं है। अरबों की संपत्ति में भी जीव ऐसा हो सकता है जो मर के नरक जाए, और रिक्शा चलाने वाला भी ऐसा हो सकता है जो मर के स्वर्ग जाए। पाप के उदय से और पुण्य के उदय से जीव के परिणामों का निर्णय ना करो। कहने का मतलब यह है पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता, पुण्य के उदय से कोई पुण्यात्मा नहीं होता। पाप के उदय से पाप के परिणामों से पापी होता है और पुण्य के परिणामों से पुण्यात्मा होता है। और जो पुण्य और पाप दोनों परिणामों का परित्याग करके शुद्ध आत्मा के आश्रय से वितराग प्रवृत्ति का आश्रय लेते हैं वह धर्म का परिणाम होता है और उस कर्मों की सर्वनिर्जरा का कारण है।
जिन पुण्य पाप नहीं कीना आतम अनुभव जिंदगी। इसलिए ये सारी कथन का सार ये है कि आप पाप की वजह से बिल्कुल मत डरो। क्यों मत डरो? क्योंकि वो तो पुराना एग्रीमेंट है भाई साहब, जो हो गया सो हो गया। दो मिनट बाद जो उदय में आना है सो आना है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम कहां कर सकते हैं। और सुनो, परिणाम भी परिणामों के आश्रय से नहीं सुधरते हैं, परिणाम भी अपरिणामी के आश्रय से सुधरते हैं। यदि परिणाम ठीक करना है तो अपरिणामी का आश्रय लो, शुद्ध आत्मा का आश्रय लो, स्वरूप का आश्रय लो। अब आप प्रश्न उत्पन्न कर सकते हो, भैया स्वरूप का आश्रय कैसे लें, कहां से लें, क्या करें? मैं एक मिनट में अपनी बात करके, समय अपना हो रहा होगा, हो क्या रहा होगा, हो ही गया होगा जहां तक अंदाज है। जैन शासन के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हम और आप सब चर्चा कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि पाप के वजह से कोई पापी नहीं, पुण्य के उदय से कोई पुण्यात्मा नहीं। पुण्य के परिणाम और पुण्य के उदय पाप के परिणाम से पापी और पुण्यात्मा कहा गया है। परमार्थ से तो अपरिणामी का आश्रय लेने वाला सच्चा धर्मात्मा है, उसका हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। अब जो सबसे बड़ी बात जो आपके सामने आएगी वो इतनी सी आएगी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से। मैं बस पढ़ देता हूँ, बाकी आप संभाल के रखना। मैं कहाँ से शुरू करूँ? अपने शहर से, अपनी गली से, अपने घर से, अपने परिवार से? नहीं, इन पर मेरा कोई जोर नहीं चलता है, मुझे परिवर्तन स्वयं में करना है। मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन, वीत राग विज्ञान मेरा जिन शासन, जय वीत राग विज्ञान मेरा जिन शासन। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो कुवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाम्नं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। ग्रंथ रत्नकरण श्रावकाचार्य के आधार से यहाँ कुछ प्रतिज्ञाएं हम ले रहे थे और कल हम पांच प्रतिज्ञाएं ले चुके हैं। कुछ याद है क्या आप लोगों को? कुछ को याद है, कुछ भूल गए हैं। प्रतिज्ञा तो नियमित याद रखने योग्य चीज है। सबसे पहली प्रतिज्ञा नहीं शंकित माने जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करेंगे, पहली शर्त है ये। आत्मार्थी व्यक्ति का पहला लक्षण, पहली शर्त है हम कभी भी जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करेंगे। दूसरी हमने यहाँ प्रतिज्ञा ली थी कांक्षा नहीं, भोगों की कांक्षा नहीं होगी हमारे हृदय में, तमन्नाएं नहीं होगी, आकांक्षाएं नहीं होगी, भोगों की अपेक्षा और आकांक्षाओं से रहित होने की भावना, ये दूसरी प्रतिज्ञा। तीसरी प्रतिज्ञा हमने ली ज्ञानियों के मलिन शरीर को देख करके उससे घृणा नहीं करेंगे, क्योंकि यदि मलिन शरीर को देख करके घृणा की तो हमें उनका समागम कैसे प्राप्त होगा। ज्ञानियों के शरीर से यदि हमने घृणा की तो उनका समागम प्राप्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए उससे घृणा नहीं करना। तीन प्रतिज्ञाएं हो गई। नंबर चार, मूढ़ दृष्टि नहीं बनना। मूढ़ दृष्टि माने धर्म के नाम पर गलत प्रवृत्तियों को नहीं अपनाना। मूढ़ नहीं बनेंगे हम,
धर्म देखा देखी का नाम नहीं है, धर्म दिखावे का नाम नहीं है, धर्म में प्रदर्शन नहीं है। जहां जहां प्रदर्शन की बात होगी, धर्म उससे ऊपर उठ करके है। अरे भाई, धर्म प्रदर्शन नहीं, धर्म आत्मदर्शन का नाम है। धर्म में दिखावा नहीं होता। तो चार बातें हो गई, अमूढ़ दृष्टि नहीं होगी, और पांचवी बात, दूसरों के दोषों को उजागर नहीं करेंगे, उपगुहन। इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं ये, आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं, ये जीवन किस तरह से जीना चाहिए हमें, इसके लिए बातें बतला रहे हैं कि भैया सुनो, यदि दूसरों की कमियां देखते रहोगे तो अपनी कमियां कब देखोगे और कब सुधारोगे। हमें यदि अपनी कमियां और अपनी गलतियां दिखेगी नहीं, दूसरे की ही कमियां और दूसरे की ही गलतियां दिखती रही, तो फिर अपने में सुधार होगा नहीं उससे। तो कितनी बातें हो गई, ये पांच बातें यहाँ हो गई। इन पांच बातों को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में उतारा, समझ लीजिए उस व्यक्ति के जीवन का सुधार होना शुरू हो गया। छठी बात की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। छठी बात क्या है? स्थितिकरण। स्थितिकरण किसका? स्थितिकरण लीजिए, प्रतिज्ञा इस तरह की कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को यदि धर्म मार्ग से विचलित होते हुए देखेंगे तो उसे धर्म मार्ग में स्थिर करने का प्रयत्न करेंगे। कर सकते हैं ये काम आप? किसी धर्म मार्ग से विचलित होते हुए व्यक्ति को देखा आपने, आपकी ये भावना होनी चाहिए कि हम इसे पुनः धर्म मार्ग में कैसे स्थापित करें, हम कैसे इसे पुनः धर्म मार्ग में लाएं। और सुनो, दूसरों को धर्म मार्ग में लाना तो फिर आसान है, अपने आप को कैसे धर्म मार्ग में लगाए रखें ये महत्वपूर्ण बात है। हम धर्म मार्ग में लगे रहे, कितनी तरह की विपत्तियां आए, कितने तरह के संकट आए, अरे परिस्थितियां कैसी भी हो लेकिन मनस्थिति को संभाल करके रखेंगे। परिस्थितियां बिगड़ती रहे कोई बात नहीं, मन यदि संभला हुआ है तो सब संभला हुआ है, परिणाम यदि संभले हुए हैं तो सब कुछ संभला हुआ है, और परिणाम बिगड़े तो सब कुछ बिगड़ गया समझो। भाई साहब सुनिए, धन संपत्ति चले गई कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन यदि अपने परिणाम बिगड़ रहे हैं तो बहुत कुछ बिगड़ गया है। धन संपत्ति बहुत भरपूर हो और परिणाम बिगड़ गए तो सब कुछ बिगड़ गया, और धन संपत्ति यदि चले भी गई तो कुछ नहीं गया है यदि परिणाम संभले हुए हैं तो। ज्ञानी जीव अपने परिणामों को संभालने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं इस बात का कि हमारे परिणाम संभले रहें, हमारे भाव संभले रहें। बस यही स्थितिकरण नाम का अंग है। स्थितिकरण अंग किसकी स्थिति करें भैया? कभी पाप कर्म का वजह आ गया, कभी ऐसे रोगों ने आकर के घेर लिया, ऐसी बीमारी ने आकर के घेर लिया जिस बीमारी और रोग के कारण हमारा मन नहीं लग रहा है, उपयोग नहीं लग रहा है, धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए, स्थिर करना है अपने आप को, अपने परिणामों को स्थिर करना है, विचलित नहीं होने देना अपने परिणामों को। बस यही स्थितिकरण नाम का अंग है। भैया जिसकी धर्म मार्ग में प्रीति होगी उसे धर्मात्माओं में प्रीति होगी। ऐसा कैसे हो सकता है धर्म के प्रति प्रीति हो और धर्मात्माओं के प्रति प्रीति नहीं? न धर्मो धार्मिक एर बिना, धर्म धार्मिक के बिना नहीं होता। धर्म कहाँ है बिना धार्मिक लोगों के? धर्म टिकता नहीं है, इसलिए धर्म को टिकाए रखने के लिए धार्मिक व्यक्ति ही है। ये धार्मिक व्यक्ति यदि विचलित होंगे तो धर्म ही बह गया, धर्म ही डगमगा गया। इसलिए धर्म को कायम रखने के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए ये स्थितिकरण जरूरी है, वात्सल्य जरूरी है, प्रभावना जरूरी है। ये तीन महत्वपूर्ण अंगों की तरफ आज हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। स्थितिकरण करो। कैसे करें स्थितिकरण? वात्सल्य पूर्वक स्थितिकरण करो। धर्म मार्ग से यदि कोई विचलित होता हुआ दिखाई दे रहा है, यदि किसी बीमारी के कारण कोई व्यक्ति रात्रि भोजन करने के लिए प्रवृत्ति कर रहा है, आप उसे समझाओ, नहीं नहीं बच्चे हैं क्या हो गया, नहीं भैया स्थितिकरण जरूरी है, ध्यान रखना। स्थितिकरण की बात कह रहा हूं, स्थितिकरण हो और स्थितिकरण नहीं हो। क्या मतलब? जीवन में कभी भी अस्थितिकरण नहीं होना चाहिए। हमारे माध्यम से कोई प्रवृत्ति ऐसी नहीं हो, हमारे माध्यम से कोई आचरण ऐसा नहीं हो जिसे देख करके दुनिया के ये कैसा आचरण है, नहीं भैया ऐसा आचरण अपना नहीं होगा। और ऐसा आचरण यदि किसी दूसरे व्यक्ति का दिखाई दे रहा है तो भी हम उसे स्थित करने का प्रयास करेंगे।
बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को आज हमने देखा यहाँ मंच पर, बच्चों को अनुमोदना कीजिए, प्रशंसा कीजिए उनकी, उन्हें प्रशंसा की जरूरत है। वो रात्रि भोजन नहीं करते हैं, उनकी अनुमोदना कीजिए। एक दिन यदि मंदिर में आकर के बैठा है बालक, और जिन मंदिर में आकर के वो स्वाध्याय किया है उसने, मंदिर में आकर के जिनेंद्र भगवान की पक्षाल की है यदि उस बच्चे ने, आप उस बच्चे की प्रशंसा कीजिए। क्योंकि सुनो, बाहर निकलने पर उसके निंदा और आलोचना करने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, उसकी टांग खींचने वाले तो बहुत लोग मिले। रात्रि को नहीं खाता, अरे यार क्या लाइफ बना रखी है अपनी, चल अपन चलते हैं होटल में, चल अपन चलते हैं खाना खाने के लिए, ऐसा कहने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन यदि उसके परिणामों को संभालना है तो उसके स्थितिकरण की जिम्मेदारी है हमारी, हमारी जिम्मेदारी है भाई साहब। हम अनुमोदना करें उसके परिणामों की, हम प्रशंसा करें उसके परिणामों की, ये स्थितिकरण हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। गलती से भी हमारे माध्यम से किसी भी व्यक्ति का अस्थितिकरण नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना, इस बात की जिम्मेदारी और जवाबदारी हमारी है। अस्थितिकरण नहीं हो किसी व्यक्ति को, हम ये अरे यार कोई बात नहीं बच्चा है चलता है इसमें तो खा रहे, कोई बात नहीं कर लेने दो, अभी से ही क्या त्याग क्या त्याग करा रहे हो, अभी से ही क्या पूजन पाठ में लगा रहे हो, अभी से ही क्या धर्म में लगा रहे हो। भाई साहब ध्यान देना बहुत जरूरी है, ये बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जीवन और उत्तम परिणाम उसके हुए हैं, और यदि उसके परिणाम बिगड़ रहे हैं तो उसके परिणामों को बिगड़ने में हम निमित्त नहीं बनेंगे कभी भी, ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए हमारी। हमारा ऐसा संकल्प होना चाहिए हमारे निमित्त से जिन धर्म की विराधना नहीं होगी, जिन धर्म की प्रभावना होगी, जिन धर्म की प्रभावना में हमारा सहयोग होगा, जिन धर्म की विराधना में कभी निमित्त नहीं बनेंगे हम। धर्म और धर्मात्माओं की प्रशंसा करना ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है। स्थितिकरण कीजिए, खूब अनुमोदना कीजिए। मैं तो बतलाता हूँ मंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवों में लोकांतिक देव का प्रसंग बतलाता हूँ, क्या जरूरत है तीर्थंकरों को अनुमोदना करने के लिए आने के लिए, है तीर्थंकरों को भी जरूरत। देव लोग आ रहे हैं, स्वर्ग से आए हैं, लोकांतिक देव आए हैं अनुमोदना करने के लिए, और बाल तीर्थंकर की अनुमोदना कर रहे हैं, युवा तीर्थंकर की अनुमोदना, अरे ऋषभ देव स्वामी हम आपके वैराग्य के परिणामों की अनुमोदना करते हैं। देखे कभी आपने ये दृश्य मंचों पर, नहीं देखे कभी? जब दीक्षा कल्याण का प्रसंग दिखाया जाता है मंच पर, जब दीक्षा की पूरी तैयारी होती है, अभी दीक्षा ही नहीं है अभी गृहस्थ दशा में है, उस समय क्या होता है शुद्धात्म जी अभी देखेंगे वहां। अभी दीक्षा की तैयारी है, तैयारी भी अभी बाहर नहीं अंदर अंदर में चल रही है, और इतने में अनुमोदना करने के लिए स्वर्ग से देव उतर करके आ गए, अरे जय हो आपके परिणामों की अनुमोदना करते हैं, धन्य है आपके परिणाम, धन्य है आपकी वैराग्य की परिणति। क्या कर रहे हो आप लोकांतिक देवो, आई की जरूरत है अनुमोदना करने की? ठीक है क्या है? नहीं भाई साहब, शायद मुझे लगता है ये अनुमोदना की जरूरत उन्हें नहीं हो, लेकिन जगत के जीवों को इस अनुमोदना को देख करके ये शिक्षा लेने की जरूरत है कि हर व्यक्ति को अनुमोदना की जरूरत हुआ करती है। क्यों किया भाई साहब कार्यकर्ताओं का सम्मान? क्यों किया कार्यकर्ताओं का सम्मान? जरूरत है। क्यों करते हैं विद्वानों का सम्मान? भूखे हैं विद्वान सम्मान के? नहीं, अनुमोदना का सवाल है। यह अनुमोदना स्थितिकरण प्रदान करता है, इस अनुमोदना से व्यक्ति टिकता है, इस अनुमोदना से व्यक्ति टिका रहता है, व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करने के लिए, धर्म मार्ग में लगाए रखने के लिए यह कभी कभी अनुमोदना जरूरी होती है, और यह अनुमोदना की जानी चाहिए हमारे माध्यम से। वचने किम दरिद्रता, वचनों में क्या दरिद्रता रखते हो भाई साहब? वचनों में ही दरिद्रता, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करने के लिए कहा जाए हो? नहीं ये शब्द तो ज्यादा हो जाएगा, ये शब्द अरे क्या शब्दों के अंदर बात करता है, दिल खोल करके प्रशंसा कर, क्या मुक्त कंठ से प्रशंसा की जानी चाहिए, खूब प्रशंसा करो। इन बच्चों को देख देख करके ऐसा लगता है यहाँ आपकी दुबई नगरी का भविष्य सुरक्षित है। ये बच्चे यदि यहाँ धर्म मार्ग में लगे रहेंगे तो आप लोगों का भविष्य सुरक्षित है भाई साहब। बच्चे यदि धर्म मार्ग में लगे रहेंगे तो हमारी समाधि कराएंगे, हमारी संलेखना कराएंगे, कौन कराएगा नहीं तो ये सब काम कौन संभालेगा अंत समय में? अंत समय में कौन उपदेश देगा? कौन कराएगा समाधि की तैयारी? कौन कराएगा संलेखना मरण? कैसे होगा ये सब? हम तो पड़े होंगे बिस्तरों में, उठने बैठने की स्थिति नहीं होगी, और यदि इनमें संस्कार नहीं हुए
अरे यार क्या लगा रखी है, चिट लगा रखी है ज्यादा, इनको भेज दो वृद्धाश्रम के अंदर, बहुत बोल रहे हैं। नहीं नहीं ऐसी ऐसी बात नहीं, लेटेस्ट वाले में भेजूंगा, अच्छी है सारी व्यवस्था है वहां, मैं देख करके आया हूँ, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, व्यवस्थाएं कर देंगे लेकिन सेवा करने का परिणाम नहीं होगा। ये सेवा करने का परिणाम ये स्थितिकरण अंग के अंतर्गत आता है भाई साहब, ये जरूरी है स्थितिकरण अंग। धर्म मार्ग से यदि दूसरे विचलित हो रहे हो तो उन्हें धर्म मार्ग में स्थित करना और स्वयं धर्म मार्ग से विचलित न होने का संकल्प लेना, ये स्थितिकरण अंग कहलाता है। सुनो प्रतिज्ञाएं हमारी, कितनी भी परिस्थितियां क्यों नहीं प्रतिकूल हो जावे लेकिन फिर भी इस धर्म का अवलंबन कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि परिस्थितियां तो आने जाने वाली है, आज कुछ है और कल और कुछ है, लेकिन जो मनस्थिति है ये धर्म मार्ग का अनुसरण करने वाली प्रवृत्ति ये बराबर बनी रहेगी। नहीं होना चाहिए ये संकल्प, जिस व्यक्ति के हृदय में ये संकल्प नहीं है वो व्यक्ति कैसा धर्मात्मा होगा, कैसे धर्म प्रकट होगा नितेश जी उसके अंदर। धर्म प्रकट करना चाहते हैं हम सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हैं, अंतरंग में सम्यक दर्शन उत्पन्न हो उसकी भाव भूमिका की तैयारी चल रही है आनंद जी साहब, ये तैयारी चल रही है उसकी। अरे स्वयं धर्म मार्ग में स्थिर रहने की हमारी भावना है, ये भावना ऐसी फलीभूत होती है कि सम्यक दर्शन पूर्वक वो धर्म सदा के लिए स्थित हो जाता है अंतरंग। जरूरत है इसकी स्थितिकरण, कैसी गजब की बातें कही है यहां स्थितिकरण के संबंध में। भाई साहब किसका स्थितिकरण करें, पापियों को देख देख करके उनका स्थितिकरण करो, धर्म मार्ग से जो लोग विचलित हो गए हैं उनका स्थितिकरण करो, अपराधियों को देख करके उनका स्थितिकरण करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दुनिया में कोई व्यक्ति आपकी डांट से नहीं सीखेगा, प्यार से सीखेगा, आप सिखाओ उसे, प्यार से सिखाओ, समझदारी से सिखाओ, वात्सल्य से सिखाओ, बड़ा दिल रखो, दिल बहुत बड़ा रखो अपना, अपना दिल इतना बड़ा रखो कि किसी की भी गलतियों, अरे बड़े से बड़ी गलतियों को माफ कर सको, ऐसी हिम्मत रखो आप अपने हृदय में। फिर देखो आप जिस व्यक्ति ने गलती की है वो गलती का पश्चाताप उस व्यक्ति के स्वयं के हृदय में, जिस व्यक्ति ने गलती की है, जिस बालक ने गलती की है, मैं कहता हूं एक बालक ने कांच का गिलास फोड़ दिया, अब उसे डांटने की जरूरत नहीं है, वो खुद डरा हुआ है मेरे से गलत काम हो गया है, डांटने की जरूरत नहीं है, अभी तो उसके परिणामों को संभाल, अरे बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, हो गया होगा, गिर गया होगा। आप देखिए आपके प्रति कितना सम्मान बढ़ जाएगा और उसका स्थितिकरण होगा, उसके परिणाम विचलित नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है आज समय में, आज के समय में समाज में ये जरूरत है और हम इन बातों को समझते नहीं है भाई साहब, ये स्थितिकरण के लिए कह रहे हैं। अन्य मतावलंबी हैं, अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, पापी हैं, उन व्यक्तियों को देख देख करके भी स्थितिकरण कीजिए। और इसमें रत्नकरण श्रावकाचार्य में जिस प्रकरण को हम यहाँ से पढ़ रहे थे, जिसकी चर्चा दो चार दिन पहले आप लोगों के बीच में की है, उसमें तो यहाँ तक कहते हैं अन्य मतावलंबी हो, विधर्मी हो, कुदेव कुगुरु की आराधना करने वाला हो, पापी हो, सप्तव्यसनी हो, मिथ्या दृष्टियों के बनाए हुए देवताओं के स्थान हो, मठ हो, स्थान, मंदिर, क्षेत्र, बोले उनकी भी हम आलोचना नहीं करते। कैसी बातें करते हैं, व्यंतरों के स्थान है, नहीं नहीं हम उनकी निंदा आलोचना नहीं करते, हम किसी भी व्यक्ति को प्यार से समझा तो सकते हैं लेकिन उसे सुधारने का दावा नहीं कर सकते। समझना भैया, कोई व्यक्ति आपके समझाने से नहीं समझता है, हर व्यक्ति अपने अभिप्राय से समझता है, जब उसकी होनहार अच्छी होगी तो व्यक्ति अपने आप समझेगा। पिताजी कहते कहते मर जाते हैं ये धर्म मार्ग पर लगा रहे, बच्चे नालायक तो कभी तो सुधरेगा, कौन संभालेगा इन मंदिरों को, कौन संभालेगा अपने तेरे दादाजी का बनाया हुआ मंदिर है, कभी तो पूजन प्रक्षाल किया कर, कभी तो मंदिर आया कर, बड़ी चिंता होती है। और आज पिताजी नहीं रहे तो बालक अपने आप धर्म मार्ग पर लग जाता है, होता है ऐसा बहुत बार, ऐसी परिस्थितियां होती है। मुझे याद आता है शांतिनाथ स्वामी के पूर्व भावों का वो प्रसंग, जिस प्रसंग को देख करके ऐसा लगता है कि अरे ये कैसे धर्मात्मा है, ये कितना पापी है। जो पापी व्यक्ति दिखाई देता है वो तत्काल मोक्ष जाने वाला है, जो धर्मात्मा दिखाई दे रहे हैं, जो मोक्ष जाने वाले हैं, वो 10 भाव बाद में मोक्ष जाएंगे। आपको मालूम है क्या घटना घटी थी शांतिनाथ स्वामी के साथ में, 10 भाव पहले की घटना है। राजा थे, राजा और रानी, और इकलौता बेटा था, एक ही बेटा,
लेकिन क्या करें, वो बेटा गलत संगति में पड़ गया। गलत संगति में क्या पड़ गया, घर में काम करने वाली नौकरानी के साथ में मोहित हो गया उसके ऊपर, इससे शादी कर लो। अब राजा महाराजा लोग, उनका बेटा बोले अच्छे से अच्छे रिश्ते तेरे लिए आ सकते हैं, तो क्या बात कर रहा है, नौकरानी के साथ में शादी करेगा, तेरे लिए तो खूब अच्छे से अच्छे रिश्ते। नहीं नहीं पिताजी, शादी तो करूंगा इसी से, दिल लगा, क्या करें, अब जिससे लग गया उससे लग गया, मुझे तो इसी से शादी करनी है। बहुत समझाया, देख तुझे संपत्ति से बेदखल कर देंगे, कर दो, कल करते हो, आज करो, शादी तो इसी से करूंगा। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी हमारी संपत्ति से, कर दो पिताजी, अभी कर दो आप, लेकिन इसी से शादी करनी है मुझे, क्या करें। रात को विचार कर रहे थे पति पत्नी दोनों, कौन विचार कर रहा है, ये शांतिनाथ भगवान विचार कर रहे हैं, जिन्हें 10 भाव बाद में मोक्ष जाना है, जिनको अभी वो विचार कर रहे हैं बैठ करके, क्या करें, तो मानता नहीं है, तो बहुत हालत खराब है, सुसाइड नोट लिखा उन्होंने, जहर खा करके मर गए दोनों रात के पति पत्नी। 10 भाव बाद में मोक्ष जाना है। बेटे ने सुबह उठ करके उस पत्र को पढ़ा, क्या लगा होगा, अरे रास्ते के कांटे हट गए, अब तो राज्य भी अपना हो गया, संपदा भी अपनी है, और लड़की तो अपनी थी, क्यों भाई साहब, इतना वैराग्य के परिणाम आया उस बालक को, शादी करना तो दूर, उस बालक ने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के उसी भाव से मोक्ष चला गया। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति हो जाती है, आप जिसे सुधारने की सोच रहे हो तो सुधरा हुआ ही है, क्या पता किसकी परिणति कब सुधर जाए, क्या पता किसका जीवन कब सुधर जाए। भैया ये जैन दर्शन दूसरों को सुधारने के लिए नहीं मिला है, ये अपने आप को सुधारने के लिए मिला है, सच कह रहा हूं मैं। क्योंकि घरों में जाते हैं ना लोग, घरों में ले जाते हैं, खाना खाने के लिए ले जाते हैं, रास्ते भर से सिखाते रहते हैं हमें क्या समझाते हैं पंडित जी, वो देखो आज हमारा बेटा आया हुआ है, थोड़ा उसको समझाना मेरी वाइफ को समझाना, वो थोड़ा ज्यादा व्रत उपवास करती है, इससे कोई धर्म थोड़ी ना होता है, सारा शरीर बिगाड़ रखा है, उसे समझाना, बच्चों को समझाना, पोतों को समझाना। मैंने कहा ठीक है सबको समझाएंगे, आपको भी कुछ समझ, मेरी बड़ी अपन तो सब समझे आप सब समझे हुए हैं, बोलो आप तो सब समझे हुए हैं, और सब बातें दूसरों को समझानी है। कई बार ऐसा प्रवचन, अरे पंडित जी आज बस आज जो आपने प्रवचन किया ना, कल मैं अपनी वाइफ को भी लेकर के आऊंगा, दोबारा ऐसी ही बात जरूर कहना, आज ये प्रवचन के अंदर वो होती तो बहुत अच्छा रहता, आज के प्रवचन के अंदर वो होते तो बहुत अच्छा रहता, सारे प्रवचन दूसरों के लिए दिखाई देते हैं, अरे भाई ये जिनवाणी किसी और के लिए नहीं है, ये अपने लिए लिखी गई है जिनवाणी, ये दूसरे के लिए समझने की बातें नहीं है, ये अपने लिए समझने के लिए है, इन जिनवाणी की बातों को हमें अपनी समझना है, अपना कल्याण करना है इन बातों को समझ करके। ये स्थितिकरण नाम का अंग कह रहा है, स्थितिकरण किस किस की स्थिति करना है, धर्म देव गुरु खोटे व्यक्ति उनके सानिध्य में लगे हुए उलझे हुए खोटे मार्गों पर चलने वाले, कोई बात नहीं। पाप कर्म का उदय है इनका, ये आज ऐसे कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या पता कब उदय बदल जाए, बेचारों ने ये सच्ची बातें सुनी ही नहीं है, इनका क्या कसूर है। और कल तक मैं भी तो ऐसे ही मार्ग पे लगा हुआ था, आज यदि मैं अच्छे मार्ग पर आ गया हूं तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, कल तक ये भी तो इसी मार्ग पर है जिस मार्ग पर मैं था, क्या फर्क पड़ गया है उसमें। भैया विचार करना गंभीरता से इन सब बातों के बारे में, होनहार बलवान है ये धर्मात्मा जीव, कैसे होते हैं उनका जीवन, कैसा होता है उनके प्रति, किस तरह का परिणाम हमारे को रखना है, ये स्थितिकरण का परिणाम, वात्सल्य का परिणाम, स्थितिकरण करो, धर्म मार्ग में चलने वालों का स्थितिकरण करो। देखो भैया ऐसी बातें कहते हैं, स्थितिकरण अंग के संदर्भ में इतना गजब लिखा है इन्होंने यहां, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है, परिणाम यदि विचलित हो गए हैं तो धर्म मार्ग में लगाने के लिए उसे शिक्षा दो, उसे उपदेश दो, भैया तुम्हें ये जीवन मिला है बहुत दुर्लभता से मिला है। नर देह उत्तम देश पूरण आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति
सत धर्म की आराधना है उत्तर उत्तर महादुर्लभ, इन सभी का आत्मा की साधना, आत्मा की साधना। ये उत्तर उत्तर महादुर्लभ है भैया, कितनी बातें कह दी है। नर देह उत्तम देश, नर देह का मिलना, फिर उसमें सेकंड नंबर क्या है, नर देह तो मिल गई लेकिन उत्तम देश नहीं मिला तो क्या होगा। नर देह के साथ साथ में उत्तम देश का मिलना, नर देह उत्तम देश पूरण आयु उत्तम देश, ये भारत देश जो मिल गया है हमारे को महाभाग्य से मिल गया है भाई साहब, भारत देश में जन्म लेना। हम सब हिंदुस्तानी है कि नहीं, जन्म तो सबका वही हुआ है, किसी का यहां जन्म हुआ हो तो हाथ खड़ा करें, कोई नहीं है, सब भारत के जन्म है सब लोग। फिर कितना, अब ये बात अलग है कि उस देश को छोड़ करके हम यहां आकर के बस गए भैया। भारत देश मिलना ये अपने आप में भाग्यशाली मन की निशानी है, जहां आप शांति से धर्म आराधना कर सकते हो। ये जिस देश में आकर के बस गए हो यहां धर्म आराधना करने की स्वाधीनता नहीं है आपको, कोई बात नहीं, फिर भी भारत के संस्कार हमारे में है, वो तत्व ज्ञान के संस्कार हमारे में है, इसलिए कोई बात नहीं। नर देह मिला, उत्तम देश मिला, पूर्ण आयु, आयु की पूर्णता। नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता। विस्तार नहीं करना चाहता हूं, अभी समय नहीं है ज्यादा विस्तार करने का, एक प्रवचन है पूरा इस विषय के ऊपर। ये परिवार की अनुकूलता मिलना भाई साहब भाग्यशाली हो आप, जो आपको ऐसे परिवार की अनुकूलता मिली है कि यहाँ जन्माने सुनने के लिए आकर के बैठ पा रहे हो, धन्यवाद तो एक बार अपने परिवार वालों को। क्या भाई साहब ऐसी पत्नी मिल जाती जो ये कहती कि नहीं कहाँ जा रहे हो सुनने के लिए, चलो मेरे साथ डिस्को चलेंगे क्या होता बोले। ऐसे हस्बैंड मिल जाते जो नहीं करने देते, आप सोचिए जरा ये परिवार की अनुकूलता का मिलना कितना बड़ा काम है। यदि गोपाल दास जी बढ़िया जैसी पत्नी मिल जाती तो क्या करते, मालूम है ना उनकी पत्नी के बारे में, गोपाल दास जी बढ़िया की पत्नी को जानते हैं कि नहीं आप लोग, नहीं जानते। अरे यार क्या करते हो आप लोग, कुछ नहीं जानते हो, छोटे छोटे से कहानियां प्रसंग सुनाए जाए तो ऐसा काम किया जाए यहाँ तो, चलो कोई बात नहीं। वो गोपाल दास जी बढ़िया जो थे उनकी पत्नी थी बड़ी क्रोधी थी, इतनी गुस्से प्रकृति की थी, पंडित जी के लिए मतलब पंडित जी को सारा काम घर का करवाती थी और मजे से बैठती थी। एक दिन पंडित जी थोड़ा सा देर हो रही थी तो मार्केट से सीधे मंदिर पहुंच गए प्रवचन करने के लिए। पंडित जी मंदिर पहुंच गए प्रवचन करने के लिए और दौड़ती हुई आई वो तो पीछे से, और आकर के भरी सभा के अंदर बीच में ही क्या बोलती है, हुक्का कौन भर के आएगा मेरे लिए, हुक्का। पंडित जी बेचारे चुपचाप उठे, उठ करके घर गए, घर जाकर के लिए उसका हुक्का भरा और फिर लौट करके आए। क्या बातें चली होगी भाई साहब पीछे से, पीछे से क्या बातें चली होगी सभा में, हे अपनी पत्नी को तो समझा नहीं सकते हमें समझाते रहते हैं। चल रही थी कुछ बातें इस तरह की, अरे यार पंडित जी भी यार बहुत ही तेज है उनकी पत्नी, अब वो तो है पंडित जी थोड़ा भी कंट्रोल नहीं रखते हैं, बातें ऐसी चल रही थी। अब पंडित जी प्रवचन छोड़ करके चले गए, ये क्या तरीका था, सब लोगों का टाइम वेस्ट, कोई बात नहीं। पंडित जी ने कुछ कुछ बातें कान से सुनी, कुछ कुछ बातें उनके सामने तो कौन बोलता। जब प्रवचन की गद्दी पर बैठे तो बोला कि मैं उठ करके चला गया तो आप लोगों के सिर्फ 10 मिनट खराब हुए हैं, और यदि मैं उठ करके नहीं जाता तो पूरा 1 घंटा खराब हो चुका होता। आप सोचिए, एक दिन पंडित जी रात को देर से आए घर, रात को देर से आए, दरवाजा नहीं खोला भाई साहब,
सुबह 4 बजे तक दरवाजे पर बैठे रहे, दरवाजा नहीं खोला उनके लिए। और फिर सुबह 4 बजे उठ करके दरवाजा खोला, और दरवाजा खोल करके क्या किया, पानी का भरा हुआ ठंडा मटका सर्दियों के समय में उनके माथे पर डाल दिया, नहला दिया। ऐसी घटनाएं। और सुनो, अंत समय में जब मरणासन्न दशा थी उसकी, तो उसने बहुत विनम्रता से बात कही, मैंने आपको बहुत परेशान किया है, समझ आ गई अंत समय में। वो कहती है, मैंने आपको बहुत परेशान किया है, मैंने आपको बहुत दुखी किया है, मैं आपके लिए योग्य पत्नी नहीं रही। पता है पंडित जी क्या कहते हैं, अरे नहीं भाई, तू तो मेरे लिए वैराग्य वर्धनी थी, तू मुझे राग में फंसाने वाली नहीं थी। यदि तू मेरे राग में फंसाने वाली होती तो मैं शायद साहित्य साधना नहीं कर पाता, मैं शायद इतना अध्ययन मनन नहीं कर पाता, मैं तेरे राग रंग में ही उलझा रहता। तूने तो निरंतर मेरे वैराग्य के वर्धन करने का ही काम किया है। कैसी होती है ज्ञानियों की दृष्टि, कैसी होती है उन लोगों की सोच, ये विचारणीय है भाई साहब बातें। बैरिस्टर चंपत राय जी गांधी जी से पहले, आजाद देश से पहले परतंत्र देश के अंदर बहुत बड़े बैरिस्टर हुआ करते थे अंग्रेजों के समय में, जैन थे। उनका विवाह गलती से, धोखे से एक ऐसी कन्या से कर दिया गया जो पागल थी, पागल लड़की से विवाह कर दिया उनका, शादी कर दी उससे पागल से। और पहली रात को पता लग गया उनको, ये तो पागल है। धीरे धीरे करके आस पड़ोस वालों को पता लग गया, मित्रों को पता लग गया, दोस्तों ने सलाह दी, भाई तेरे साथ धोखा हुआ है, तू तो कानून जानता है, फटाफट सारे लिखा पढ़ी जानता है, सब इसको तलाक दे दे, तेरे साथ धोखा हुआ है। बैरिस्टर साहब का एक वचन उसने अपने मित्रों की बोलती बंद कर दी कि मैं आपसे कहता हूं, आप ये कह रहे हो कि इसे तलाक दे दे, फिर क्या करूंगा मैं, अच्छी भली देख करके लाऊंगे, और लाने के बाद यदि वो पागल हो जाए तो क्या करोगे, आज तुम्हारी पत्नी यदि पागल हो जाए तो तुम उसे छोड़ दोगे। इलाज करवाया उन्होंने, अपने ही पाप कर्म का उदय है, अपने कर्म के उदय का विचार करते हैं ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष। ये विचार करना, यहाँ स्थितिकरण यही सिखा रहा है, ये स्थितिकरण है, ये दूसरे व्यक्ति का धर्म मार्ग से विचलित होता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं, धर्म मार्ग में स्थित करो इसको, इसे धर्म का उपदेश दो, इसे जरूरत है सम्यक उपदेश की। भाई साहब ऐसा लिखते हैं तीर्थंकर परमात्मा आदि गणधर आदि भी जगत के जीवों को धर्मोपदेश देकर के स्थितिकरण करते हैं, ये उपकार करते हैं। आप जानते हैं उपकार क्या होता है, उपकार किसका नाम है, किसी उपकार करना कहे, पैसा देकर के किसी का उपकार नहीं होता, भोजन करा करके किसी का उपकार नहीं होता है, धन संपत्ति और वैभव देकर के किसी का उपकार नहीं होता है। आप सोच रहे हैं ये करके उपकार हो जाएगा, नहीं होगा उपकार भाई साहब, कैसे होगा, बोले उपदेश एकमात्र उपाय है जिससे उपकार होता है जगत के जीवों का। स्थितिकरण की बात कर रहा हूं मैं, वात्सल्य की बात कर रहा हूं, इतना वात्सल्य परिणाम होना चाहिए, इतना स्थितिकरण का परिणाम होना चाहिए। नहीं भैया, धर्म मार्ग से विचलित होते हुए को विचलित नहीं होने देंगे हम, उपदेश तो उसे। अरे साहब उपदेश में क्या रखा, अरे उपदेश ही है असली बात तो। सामने वाला व्यक्ति जिस परेशानी से परेशान है, जिस वजह से वो व्यक्ति दुखी है, वो गलत फहमी से दुखी है। मैं बात करता हूं किसी एक बालक की, समझो वो बालक गलती से एक छोटा बालक था, 2-4 साल का था, और अपनी मम्मी के साथ में उंगली पकड़ करके जा रहा है। कल्पना कीजिए, पाटनी जी साहब आपके साथ उंगली पकड़ करके जा रहा है 2 साल का बच्चा, और रास्ते में एक भिखारी को देखा, उसने भीख मांगते हुए देखा, बोलो वो बच्चा यदि पूछता है इसकी हालत क्यों है, क्या जवाब दोगे आप, ये क्यों भीख मांग रहा है, ये रोटी क्यों मांग रहा है, ये खाने पीने को क्यों मांग रहा है, ये क्यों कह रहा है $10 की बात, ये क्यों कह रहा है, ये 2 दरहम क्यों मांग रहा है, 2 रुपए क्यों मांग रहा है, क्या जवाब दोगे आप। सब कल्पना करना, आप सब माओ, सिर्फ कल्पना करने के लिए कहता हूं, आपका क्या जवाब होगा, बोलो बोलो भाई, विरल भाई क्या जवाब होगा आपका, परिस्थिति है, कर्म का फल है, पैसा नहीं है। आनंद जी साहब क्यों दुखी है वो व्यक्ति क्यों दुखी है, उस बच्चे ने पूछा आपसे, उस बच्चे को क्या जवाब दोगे आप,
बोलो पंकज जी। गरीब है बेचारा इसलिए दुखी। आलोक जी क्या बोलोगे? बोलो राजेश जी साहब। अंकित भाई क्या कहना है? आपका परिणाम, आपका परिणाम है, आपका फल है उसका। इधर से कोई जवाब? बस इतना ही सीखा यहाँ 3 दिन शिविर में, अपने अपने कर्म का फल है। पाप का उदय इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं होता। ये पाप के उदय से दुखी नहीं है, ये अपने अभिप्राय से दुखी है, ये अपनी मान्यता से दुखी है, ये अपनी सोच से दुखी है, ये अपने आप को दरिद्र मानता है इसलिए दुखी है। लोग देखो कई तरह के जवाब हो सकते हैं, कई तरह के लोग इस तरह का जवाब देंगे। कुछ ऐसा कहेंगे, अरे गरीब है बेटा इसलिए भीख मांग रहा है। नहीं भिखारी है इसलिए भीख मांग रहा है, परेशान है। कुछ थोड़े पढ़े लिखे समझदार होंगे आप हम जैसे, वो कहेंगे नहीं नहीं बेटा पाप कर्म का उदय, पाप कर्म के उदय से दुखी है, पाप कर्म के उदय से दुखी है। लेकिन जो सच में अध्यात्म के ज्ञाता होंगे, समझदार होंगे, वो ये कहेंगे कि नहीं बेटा पाप कर्म का उदय किसी जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। अरे इसके पास यदि खाने के लिए रोटियां नहीं है, ऋषभदेव स्वामी के साथ भी दीक्षा लेने के बाद में 6 महीने तक रोटियों की व्यवस्था नहीं थी, रोजाना निकलते थे फिर भी दुखी नहीं थे। रोटियों की कमी जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं होती है। मुनिराज आहारचर्या के लिए निकल रहे हैं, अंतराय हो गया है, उन्हें भोजन की व्यवस्था नहीं है, वे कितने दुखी हैं। अरे दुखी इस बात से नहीं हुआ जाता कि रोटी की व्यवस्था नहीं है, दुखी इस वजह से है क्योंकि ये मानता है कि मैं गरीब हूँ, मैं दुखी हूँ, पैसा नहीं है मेरे पास में, भोजन नहीं है मेरे पास में, व्यवस्था नहीं है, इस मान्यता से दुखी है। सुधार की जरूरत कहाँ करनी है? इस मान्यता में सुधार करना है, अभिप्राय बदलना है। स्थितिकरण अभी ये कह रहा है परिस्थितियां कैसी भी हो मनस्थिति को संभालना, मनस्थिति को। मनुष्य जीवन है दुर्लभ आयु है, दुर्लभ जीवन मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। उत्तम कुल, उत्तम इंद्रियों का संयोग, जैन धर्म जनवाणी सुनने का अवसर, ये सब महाभाग्य से मिला है। और सुनो यदि वर्तमान में काम नहीं हो रहा है तो आचार्य देव कहते हैं कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ये दुखमा काल है। इस काल में अल्प आयु और अल्प बुद्धि लिए हुए जीव उत्पन्न होते हैं, क्या करें? अल्प आयु और अल्प बुद्धि लिए हुए जीव उत्पन्न हो रहे हैं। भैया कर्म बलवान है, कर्म की स्थिति इसी प्रकार की है। विचित्र प्रकार के कर्मों की स्थिति को जानकर स्थितिकरण अंग का पालन करना और वात्सल्य से पालन करना, तो धर्म और धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य परिणाम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उनके प्रति वात्सल्य परिणाम? क्यों रखे वात्सल्य भाव? बोलो सोचो वात्सल्य भाव क्यों रखे? किनके प्रति प्रीति होती है? प्रीति उनके प्रति होती है जिनका साथ लंबा होता है। अरे साधर्मी का साथ साधी अनंत काल के लिए साथ है, इसलिए उनके प्रति प्रीति कैसी होनी चाहिए ये विचार करना गंभीरता से। ये जो साधर्मी लोग दिखाई देते हैं ना यहाँ, भले ही आपको थोड़ा सा साथ दिखाई दे रहा है, अरे इनका हमारा साथ तो अनंत काल तक सिद्धा का साथ है, जन्म जन्मांतरों में इनका साथ रहने वाला है। इनके प्रति प्रीति वास्तविक प्रीति है, परिवार जनों के प्रति प्रीति वास्तविक नहीं। हाँ ये बात अलग है कि परिवार जनों को धार्मिक बना लो, परिवार जन यदि साधर्मी हो तो फिर बात ही क्या है, फिर तो कहना ही क्या है। स्थितिकरण के साथ साथ में वात्सल्य का परिणाम होना चाहिए। आपके हृदय में यदि वात्सल्य का परिणाम नहीं है, ये प्रतिज्ञाएं हमारी वात्सल्य का परिणाम। देखो कैसे उज्ज्वल परिणाम रखना, उदार परिणाम रखना, ये वात्सल्य का परिणाम। जिनके हृदय में वात्सल्य का परिणाम होता है फिर उनके हृदय में सहज ही अन्य जीवों के प्रति करुणा का भाव होगा। धर्म और धर्मात्माओं के प्रति बैर नहीं रखना, कुदेव गुरु और कुधर्म के जिन मंदिरों को देख करके भी उनके प्रति बैर भाव नहीं रखना, ये स्थितिकरण है, ये वात्सल्य है। और फिर अंतिम प्रतिज्ञा है हमारी, प्रभावना के लिए जीना है, जिन धर्म की प्रभावना के लिए जीना है। ये जीवन जैन दर्शन की प्रभावना के लिए, भाई साहब ये जैन दर्शन होने के लिए नहीं है, ये जैन दर्शन होने के लिए नहीं है, ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है। बहुत जीवन बर्बाद किया आज तक हमने, लेकिन अब नहीं करेंगे हम, अब जिन धर्म की प्रभावना में अपना योगदान देंगे। कौन हूं मैं, क्या स्वरूप है मेरा, मैं कहां से आया हूं, कहां जाना है मुझे, इन बातों का विचार करेंगे कि नहीं? ये प्रभावना है। अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा है आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा, ये प्रभावना होती है।
लोग गुजरात में क्या होता है, हम दरवाजे पर बांटते हैं कुछ ना कुछ, कहते हैं क्या है आज प्रभाव ना, आज हमारी तरफ से प्रभाव ना है, क्या करते हैं कुछ ना कुछ गिफ्ट बांटते हैं, कोई नारियल दे देंगे, कोई मिश्री का पैकेट दे देंगे, कुछ ऐसा पैकेट पकड़ा देंगे, मैंने प्रभाव ना है, प्रभाव ना, ये प्रभाव ना है क्या, इसे प्रभावना कहते हैं क्या? असली प्रभावना होती है अंतरंग से, असली प्रभावना होती है अपने परिणामों से, असली प्रभावना होती है वात्सल्य के परिणामों से। जिन धर्म की प्रभावना कैसे हो, इस बात का विचार सदा काल रखना अपने जीवन में, अपनी लाइफ में। मैं कहता हूं लोगों को, धार्मिक लोगों को कहता हूं, अन्य लोगों को कहता हूं, भैया सुनो, अपने बच्चों को हमेशा ये शिक्षा देना कि देखो सुनो, जिन धर्म की विराधना कभी नहीं हो, ऐसा काम हमारे माध्यम से कभी नहीं किया जावे जिसके माध्यम से जैन धर्म बदनाम हो। प्रभावना में हमारा योगदान, इतना ही योगदान पर्याप्त है कि हम अप्रभावना में निमित्त नहीं बने। प्रभावना हो हमारे माध्यम से, कैसे होगी प्रभावना? धर्म पढ़ो, जनवाणी की बातें स्वयं पढ़ो और उनको पढ़ाओ, धर्म और धर्मांतरों की रक्षा के लिए खूब करो काम, जितना कर सकते हो आप दिल खोल करके करो, कैसे काम करें बताओ आप, ये शिविर लगाओ, आयोजन करो, पूजा प्रभावना के कार्य करो, मंदिर बनवाओ, प्रतिमाएं विराजमान करो, प्रेरित करो, ऐसा बहुत बन गए मंदिर, जहां नहीं है वहां बनवाओ, आयोजन करवाओ, विधान करवाओ, अनुष्ठान करवाओ, पंच कल्याण करवाओ, शिविर करवाओ, शिविर लगवाओ, ध्यान के शिविर लगाओ, ज्ञान के शिविर लगाओ, वो करो जिस तरह से प्रभावना हो सके। ये जैन धर्म की बातें जन जन तक पहुंचे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे और ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। ये प्रभावना की प्रतिज्ञा आप ले सकते हैं, प्रभावना की प्रतिज्ञा आप ये कर सकते हैं, इस तरह की प्रभावना कि हमारे माध्यम से कभी भी अप्रभावना नहीं होगी, कम से कम इतना नियम संकल्प तो ले सकते हैं अपनी लाइफ में, बोलो ले सकते हैं कि नहीं, हमारे माध्यम से लाइफ में कभी भी जिन धर्म की अप्रभावना का कार्य नहीं होगा, कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऐसे करेंगे ऐसे ऐसे चेहरे उड़ जा रहे हैं सबके, नहीं भाई तो कैसे करेंगे, सब करेंगे जरूर, मिलजुल करके करेंगे भाई साहब, धर्म की प्रभावना में जितना योगदान हमारा हो सकेगा हर जगह पर। अरे सुनो, यदि हम प्रभावना के लिए कुछ कर सके या नहीं कर सके, कम से कम अनुमोदना तो हमारी हमेशा रहेगी, अनुमोदना तो कर सकते हैं कि नहीं, ये काम तो हो सकता है, हम अनुमोदना करेंगे, हम नहीं कर सकते बेटा तू कर रहा है शाबाश बहुत अच्छा, लगे रहना यार इस मार्ग पर, मैं तो उलझा हूं कोई बात नहीं, करने योग्य काम तो यही है, इसका नाम प्रभावना हो रही है। उस बच्चे के हृदय में आपने ये संस्कार दिए हैं, ये संस्कार बने रहे, ये संस्कार टिके रहे, और उन संस्कारों को टिके रहने के लिए आपका किए जाने वाला प्रयत्न वो सब प्रभावना की श्रेणी में आता है। अज्ञान अंधकार को दूर करें, लोगों के अज्ञान अंधकार को दूर करें, अज्ञान में नहीं जिए भाई साहब, अज्ञान में नहीं जिए, धोखे में नहीं जिए, हम गलत फहमी में नहीं जिए, हम जो करेंगे वो सब धर्म की प्रभावना के लिए करेंगे। बोलो क्या होती है प्रभावना? तीर्थंकरों के माध्यम से जो प्रभावना हुई है क्या बराबरी कर सकते हैं उसकी? एक तीर्थंकर के माध्यम से जितनी प्रभावना होती है उनकी असंख्यात प्रभावना होती है केवलियों के माध्यम से, उनके असंख्यात में भाव प्रभावना होती है मुनिराजों से, उनके असंख्यात में भाव प्रभावना होती है पंचम गुणस्थानवर्ती व्रतियों से, उनके असंख्यात भाव प्रभावना होती है सम्यक दृष्टियों से, और उनके भी असंख्यात में भाव प्रभावना कुछ मिलकर के आप हम जैसे लोग कर सकते हैं। क्या करेंगे प्रभावना? लोग कहते हैं जैन धर्म रहना चाहिए, हम रहे ना रहे जैन धर्म रहना चाहिए, ठीक है अच्छी बात है जिन धर्म रहना चाहिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनो जिन धर्म तो रहेगा हमेशा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है इस बारे में, आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं कि जैन धर्म का क्या होगा, अरे पंचम काल के अंत में क्या होगा जैन धर्म का, अरे छठा काल आता हुआ दिखाई दे रहा है, अरे क्या हो रहा है समाज में, क्या हो रहा है जहां देखो वहां भ्रष्टता दिखाई दे रही है, जहां देखो आलू प्याज तो ऐसा आम बात हो गई है, नॉनवेज चल रहा है, ड्रिंक पी रहे हैं, सब ये हो रहे हैं, आजकल सोसाइटियों के अंदर क्या क्या हो गया है, पता नहीं धर्म का क्या हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है इन सब के बारे में,
सच में रंच मात्र चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करना है तो इस बात की चिंता करना कि ये धार्मिक संस्कार हमारे परिवार में और हमारे में बचे रहेंगे कि नहीं, ये चिंता करना। दूसरों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। हम क्या परवाह करें किसी की, हम चिंता करें दूसरों की? अरे अपनी चिंता कर लो उतना पर्याप्त है। इतनी चिंता करना कि हमारा क्या होगा, इतनी चिंता करना कि हम मर के कहां जाएंगे। ये जीव करुणा करता है ना, करुणा औरों के प्रति करुणा करता है, लेकिन जनवाणी ये कह रही है दया करो पहले अपने पर, अपने से शुरुआत करो भैया, अपने आप पर दया करो। फ्लाइट में सफर करते हैं वो एयर होस्टेस कहती है हवा में ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाने पर ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा, फिर क्या करना? पहले अपने, छोटा बच्चा साथ में है, बुजुर्ग बाबूजी साथ में है, क्या करें? पहले उनके लगाएंगे, पहले अपने, पहले अपने लगाओ। अरे दूसरे के लगाने लगे तो अपने लगाने लायक नहीं रहोगे। अपने लगाने के लिए, दूसरे के लगाने के लिए लगाने लायक तो बचे रहो कम से कम। पहले अपने आप के करो, पहले वो आपको सिखा रहे हैं। शुरुआत यहां से की जाती है, अपने घर से शुरुआत करो, अपने जीवन से शुरुआत करो, अपनी लाइफ से शुरुआत करो। सब धर्म की शुरुआत कहीं और से नहीं, अपने आप से करनी है। ये 3 दिन का शिविर लगाया, यहां आयोजन किया, क्या सीख लेकर के जा रहे हैं आप? यही सीख लेकर के जाना, धर्म करेंगे अपने आप से शुरू करेंगे, किसी और से नहीं। ये बातें कहीं और नहीं, ये बातें यहां से शुरू होंगी। सीखे तो सीखे, परिवार वाले सीखे तो सीखे, कोई बात नहीं, सीखेंगे परिवार वाले, समझेंगे। नहीं समझ रहे आज, नहीं समझ रहे कल समझेंगे, लेकिन पहले हम तो समझे भाई साहब। ये 8 प्रतिज्ञाएं हैं कुल, इन 8 प्रतिज्ञाओं को बराबर याद रखना तो जीवन सफल हो जाएगा। और मुझे याद है ये 8 में से शायद 5-7 भी मुश्किल से होगी। क्या याद है क्या 5-7 भी याद है क्या भैया? 8 याद है, पीछे याद है। यार क्या बात है, आप लोग सब बहुत इंटेलिजेंट है। पहली प्रतिज्ञा वापस दोहरा लेते हैं अपनी प्रतिज्ञाओं को, प्रतिज्ञाओं को दोहरा करके बात को संपन्न करेंगे। सबसे पहली प्रतिज्ञा क्या ली हमने? जिन धर्म के ऊपर शंका नहीं करेंगे, जिन धर्म के ऊपर शंका नहीं करेंगे। ये जैन धर्म की बातें शंका करने योग्य नहीं है किसी भी प्रकार से कभी भी लाइफ में। ये प्रतिज्ञा है हमारी कि जिन धर्म के ऊपर शंका नहीं होगी हमारे द्वारा। नंबर 2, भोगों के प्रति आकांक्षा नहीं होगी, तमन्ना नहीं होगी भोगों की। कब तक भोगों के प्रति उलझे रहेंगे, कब तक भोगों के प्रति तमन्ना रखेंगे? अरे बहुत भोगे हैं भोग, अब नहीं भोगेंगे, अब नहीं फंसेंगे, अब नहीं उलझेंगे हम इन चक्करों में। बहुत उलझे हैं, बहुत फंसे रहे हैं, अब नहीं करेंगे। भोगों के प्रति वांछा रंच मात्र भी नहीं होगी अब भविष्य में कभी भी। ये दूसरी प्रतिज्ञा है हमारी। प्रतिज्ञा नंबर 3, ज्ञानियों के मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं करेंगे। तो निर्विचिकित्सा कहलाता है, टेक्निकल भाषा में निर्विचिकित्सा अंग। ज्ञानियों के मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं होगी हमारे द्वारा। नंबर 4, धर्म के नाम पर मूढ़ नहीं बनेंगे कभी भी, मूर्ख बनकर के धर्म नहीं करेंगे। देखा देखी में धर्म नहीं करेंगे, दिखावे में धर्म नहीं होगा, प्रदर्शन में धर्म नहीं होगा। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कहा तो उसके हिसाब से चलने लगे, फिर किसी और ने कुछ कहा तो उसके हिसाब से चलने लगे, फिर और कोई आया तो कुछ कहने लगा। नहीं भाई, ये धर्म परीक्षा प्रदानी है, परीक्षा प्रदानी बनना, मूढ़ होकर के धर्म साधन नहीं करना। अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग। फिर 5वां, क्या मतलब? ज्ञानियों के दोषों को नहीं, किसी के भी दोषों को नहीं देखेंगे हम, दोष नहीं देखेंगे हम, निर्दोष देखेंगे। अरे अपने आप को भी निर्दोष देखेंगे और जगत के जीवों को भी निर्दोष देखेंगे। ये निर्दोष देखने वाली दृष्टि डेवलप होनी चाहिए, ये दृष्टि चाहिए हमारे को। निर्दोष देखो, सदा काल निर्दोष देखो, स्वयं को निर्दोष देखो, दूसरे को निर्दोष देखो, अपने आप को परमात्मा देखो, जगत के जीवों को परमात्मा देखो। हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, नक्की कर, निर्णय कर इस बात का। ये बना बनाए भगवान इस देह देवालय में विराजमान है, किसी और की जरूरत नहीं है मुझे। अपूर्णता नहीं है, परिपूर्णता है मेरे। उपगुहन, कमियां यदि देखनी है तो अपनी कमियां देखेंगे, दूसरे की कमियां नहीं। हमेशा गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषो।
कभी भी किसी के दोषों के ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? इससे ज्यादा दोष तो हमने किए, हम कौन से खुद के धुले हैं? क्यों देना किसी के दोषों पर दृष्टि? भैया उपगुहन नाम का पांचवा, पांचवी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा नंबर छह, स्थिति ग्रहण। किस बात की स्थिति? धर्म मार्ग से यदि विचलित हो रहे हैं कोई भी साधर्मी व्यक्ति, उन्हें धर्म मार्ग में स्थित करने की जिम्मेदारी, जवाबदारी किसी और की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, एक तरफा हो गई बात। दूसरे तरफ धर्म मार्ग से विचलित नहीं होंगे, स्वयं विचलित नहीं होंगे भाई साहब। और तीसरी तरह से बात, धर्म मार्ग से दूसरा व्यक्ति विचलित हो रहा है तो उसे विचलित नहीं होने देंगे, स्वयं विचलित हो रहे हैं तो विचलित नहीं होंगे, आलोचना नहीं करेंगे, विचार करना गंभीरता से। छह बातें हो गई। सातवीं बात, वात्सल्य। ये सारी बातें वात्सल्य पूर्वक होगी। आप किसी व्यक्ति को धमका धमका करके, उसको डरा करके, देख आता है कि नहीं तू तो नरक में जाएगा, देखना तो, देख तेरा तो नरक नक्की है, आप नरक भेज भेज करके उसे धर्म करने की प्रेरणा देंगे? नहीं आएगा, वो नहीं सुनेगा। आप उस व्यक्ति को प्यार से समझाइए, आप उस व्यक्ति को समझाइए, मनुष्य जीवन की दुर्लभता को बतलाइए, उसे जीवन की सच्चाई बतलाइए, उसे कोरोना की परिस्थितियां दिखाइए, न्यूज़पेपर पढ़ाइए। मैं ये कहता हूँ कभी कभी लोगों को, भाई साहब न्यूज़पेपर रोज पढ़ो, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की कटिंग काट काट करके रखो अपने घर में। रोजाना न्यूज़पेपर के अंदर एक खबर ऐसी आएगी जिस खबर को आप याद रख सको, जिस खबर, जो खबर आपको प्रेरित करने वाली हो, जो खबर आपको झकझोर देने वाली हो, जो खबर आपको प्रेरणा देने वाली हो। ऐसी खबरें आती है, बस हाई पे गिर गई, ये हो गया, उसकी पत्नी ने उसे जहर देकर के मार दिया है, उनके बच्चों ने उनको मार दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। क्या जगत की विचित्रताएं दिखाई देती है इन इन बातों को देख देख करके, इन बातों को देख देख करके कैसा परिणाम आता है? वात्सल्य का परिणाम आना चाहिए। पूरे विश्व में ये वात्सल्य का परिणाम एकमात्र जैन दर्शन में दिखाई देता है, क्योंकि जैन दर्शन अपने प्रति की वात्सल्य की बात करता है। सात प्रतिज्ञाएं हो गई, बराबर सात संकल्प हो गए भाई साहब, याद है क्या? सात प्रतिज्ञाएं पहले भी ली थी आप लोगों ने। सात फेरे के समय भूल गए, वो तो भूल गए सात प्रतिज्ञाएं। हे भगवान, क्या पता कौन सी थी, वो तो पंडित जी ने जिन्होंने दिलवाई थी उनको याद होगी। याद रखना वो प्रतिज्ञाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब, वो फेरों के समय ली जाने वाली सात प्रतिज्ञाएं भी याद रखने योग्य है। यहाँ सात हो गई, और आठवीं प्रतिज्ञा, जिन धर्म की प्रभावना के लिए अपना योगदान जितना बन सकेगा उतना करेंगे, अनुमोदना हम करते रहेंगे। अंतिम पंक्तियां बोल करके बात पूरी करेंगे। रिपीट कर सकते हैं आप लोग? नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, नहीं कर सकते हो तो वैसे बोलो ना, हाँ के ना, हाँ तो फिर जरूर बोलना पीछे। जिन धर्म, जिन धर्म तुझको मेरा नमन, जिन धर्म, जिन धर्म तुझको मेरा नमन, ये सिर्फ वही बोले जिन्हें मुझसे जाना हो। जिन धर्म, जिन धर्म तुझको मेरा नमन, नहीं नाम तेरा।
जीवन सार्थक करने के लिए है। हम सब अपने मनुष्य जीवन को सफल करें, सार्थक करें। ये मात्र 3 दिन के लिए नहीं है, ये 3 दिन तो बूस्टर डोज जैसे थे, ये तो रेगुलरली के लिए है। नियमित स्वाध्याय करेंगे और अपने जीवन को सफल करते हुए अल्पकाल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान होंगे, इसी मंगल भाव में बात करेंगे। शक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप सतपथ शाश्वत सोपान मेरा जिन शासन सतिपथ शाश्वत सोपान मेरा जिन शासन मंगल में मंगल कार मेरा जिन शासन मंगल में मंगल कार मेरा जिन शासन जय वीत राग विज्ञान मेरा जिन शासन जय वीत राग विज्ञान मेरा जिन शासन मंगल में मंगल कार 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 मेरा